हाय दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रॉपरली यूज फोरेक्स स्कोप इन पबजी मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पबजी मोबाइल में आप फोरेक्स स्कोप को कैसे सही से यूज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं वो सही रूल क्या है। तो पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर फोरेक्स स्कोप में तीन तरह के टाइप होते हैं। पहला आप देख सकते हैं, जब आप AKM में लगाते हैं फोरेक्स स्कोप को, बीच में आपको राउंड शेप मिल जाता है, फिर 357 लिखा मिलता है। दूसरा जो है वो जब आप उसको M416 यानी 5.56 बुलेट वाले असॉल्ट राइफल में लगाते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं इसमें आपको बीच में किस टाइप का मिलता है। और एक और टाइप की आपको मिलती है जब आप उसे स्नाइपर में लगाते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं 5.56 असॉल्ट राइफल के बारे में। तो चलिए जानते हैं वो सही तरीका क्या है अगर आप किसी को हेडशॉट मारना चाहते हैं। तो बहुत से लोग हमेशा एरो के ऊपर से ही हेडशॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस पे इसके अलग अलग रूल हैं। तो उसे डिटेल से जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहे। तो इसका जो रूल है वो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एनिमी 100 मीटर पर खड़ा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 100 मीटर पर खड़ा है, तो आपको एरो के टिप से हेडशॉट मारने की कोशिश करनी है। ठीक है, एरो के टिप से। पर अगर कोई एनिमी आपसे 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है, जैसे कि वहाँ खड़ा है, तो आपको एरो के टिप के नीचे से मारने की कोशिश करनी है, तभी हेडशॉट पड़ेगा इस तरह से। और अगर कोई 300 मीटर पे खड़ा है, तो 4 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जो लाइन शुरू होती है उसके टिप से आपको इसे मारने की कोशिश करनी है इस तरह से, तभी हेडशॉट पड़ेगा। और अगर आप एनिमी 400 मीटर पे खड़ा है, तो जहाँ पर 4 लिखा हुआ है वहाँ से निशाने लगाने की कोशिश करनी है, तभी हेडशॉट लगेगा। और अगर कोई 500 मीटर पे खड़ा है, तो 4 के नीचे जो आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको वहाँ से हेडशॉट मारने की कोशिश करनी है, तभी आप प्रॉपर हेडशॉट लगा पाएंगे। और अगर कोई एनिमी 600 मीटर पे है, तो आपको जहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहाँ से मारने की कोशिश करनी है, तभी हेडशॉट लग पाएगी। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि एनिमी कितने पे डिस्टेंस पे हो, चाहे 100 पे हो, 200 पे हो, वो एरो के टिप से मारने की कोशिश करते हैं, जो कि हेडशॉट नहीं पड़ता और सामने वाला भी सतर्क हो जाता है कि उसे कोई मार पा रहा है। तो अगर आप प्रॉपर हेडशॉट देना चाहते हैं और एक ही शॉट में किसी को किल करना चाहते हैं, तो 5.56 असॉल्ट राइफल के लिए ये टिप थी। 100 मीटर पे एरो के टिप पे, अगर 200 पे है तो एरो के नीचे से, 300 पे है तो लाइन के टिप से, 400 पे है तो 4 पे से, और 500 पे है तो उसके नीचे से, और 6 पे है तो 6 से। तो ये थे रूल 5.56 mm से सही तरीके से हेडशॉट लगाने के। आप 7.76 में 4x जूम लगा के कैसे हेडशॉट मार सकते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियो बताते रहूँगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पबजी मोबाइल को अच्छे से खेल सके, और आगे से हेडशॉट मारने से पहले इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो आप हेडशॉट नहीं मार पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।